बच्चों कल हम लोग पढ़े थे वरदान के बारे में। वरदान में ईश्वर ने वरदान देने की बात किष्णु से कही थी और किष्णु अपने पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद भगवान से दूसरे दिन वरदान मांगने के लिए आता है। अब आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि हाँ बोलो बोलो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मेरी शर्त भी तुमको याद रहनी चाहिए कि जो कुछ तुम मांगोगे वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे पूरे गांव वालों को भी मिलेगी। किष्णु कहता है भगवान मुझे सारी बातें याद हैं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर के अंदर जो संदूक रखा हुआ है वो पूरी तरह से रुपयों से भर जाए। मैं उसमें से जितना भी रुपया खर्च करूँ लेकिन फिर जितना रुपया मैं निकालूँ उतना रुपया उस संदूक के अंदर वापस आ जाए, वो कभी खाली नहीं हो। यही मेरा वरदान है और मैं यही मांगना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा कि एक बार फिर सोच लो। किष्णु कहता है कि नहीं भगवान, हमने जो वरदान मांगा है मुझे वही वरदान आप दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। किष्णु बहुत बेचैन था कि आखिर भगवान ने जो वरदान दिया है क्या वो सही है या गलत है, उसकी जांच करने के लिए वो दौड़ा दौड़ा घर आता है और अपने घर के अंदर रखे हुए संदूक को खोलता है तो पूरा संदूक रुपयों से भरा हुआ था। दूसरे दिन किसान उस संदूक में से बहुत सारे रुपये को निकालता है और अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारी ज़रूरत और ख्वाहिश की चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार के अंदर चला जाता है। वह सोच रहा था कि मैं इन पैसों से अच्छे अच्छे अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए कपड़े खरीदूँगा, पत्नी के लिए बहुत सुंदर सुंदर जेवर खरीदूँगा, खाने पीने के बहुत से सामान खरीदूँगा, इस तरह से मैं अपने परिवार की पूरी इच्छा को पूरी करूँगा। यह सोचकर वो रुपये लेता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है। जब बाज़ार की तरफ बढ़ता है तब रास्ते में बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं और सभी के सभी उसे खुश नज़र आते हैं। उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग इतने खुश क्यों हैं। किष्णु एक कपड़े की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि हे दुकानदार, तुम मुझे बढ़िया सी धोती और कुर्ते का कपड़ा दिखलाओ। दुकानदार कहता है कि ठीक है, मैं तो तुमको दिखा दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। दुकानदार जब यह कहता है तो किष्णु कहता है, अरे तुमसे मैं कपड़ा लूंगा और मैं तुमको रुपये दूंगा, मैं पैसा दूंगा तभी तो तुम सामान दोगे। तब दुकानदार कहता है कि नहीं भाई, मुझे रुपये पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत रुपया है, मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुमको एक ही शर्त पर कपड़ा दे सकता हूँ कि तुम मुझसे कपड़ा लो और इसके बदले में तुम मुझको अनाज दो, खाने पीने का सामान दो, तभी मैं तुमको कपड़े दे सकता हूँ, रुपये पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दुकानदार की बात सुनकर किष्णु को भी आश्चर्य होता है, कहता है कि अरे भाई तुमको पैसे की क्या मतलब, कैसे तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए तो सारा काम करते हो। दुकानदार जवाब देता है कि नहीं भाई, अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कहाँ से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और इतना पैसा मैं उसमें से निकालता हूँ फिर उतना उसके अंदर आ जाता है, अब मुझे रुपये पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे अनाज चाहिए, खाने के सामान चाहिए, उन सामानों को मैं लूँगा और उसके बदले में मैं कोई भी सामान तुमको देने के लिए तैयार होना था, ऐसी रुपये और पैसे से मैं तुमको सामान नहीं दूंगा। इस तरह पूरे बाज़ार के अंदर वो घूम जाता है, लेकिन जिस दुकानदार के पास वह जाता है किष्णु को यही बातें सुनने को मिलती हैं कि देखो भाई, मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, अगर तुमको जेवर चाहिए, मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए या इस प्रकार की जितनी भी सामान की तुमको ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन शर्त यही है कि इनके बदले में खाने पीने का अनाज मुझे
चाहिए, अगर तुम उसको दे सकते हो तभी मैं उसके बदले में मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो सामान चाहिए मैं तुमको दूंगा, अन्यथा रुपये पैसे लेकर मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब इन रुपये पैसे का कोई महत्व नहीं रहा। तुम्हारे पास भी रुपये हैं, मेरे पास भी रुपये हैं, जितने भी लोग हैं इस गांव के अंदर सभी के पास बहुत सारे रुपये हैं, अब उनको रुपये और पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको पाने के लिए वो अपने सामान को बेचें और रुपया पैसा हासिल करें, बल्कि सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है खाने और पीने के लिए अनाज। अगर अनाज तुम्हारे घर में है तो ले आओ, मैं उसके बदले में सारी चीज़ें तुमको दे दूंगा। अब बेचारा किस्नु परेशान हो जाता है कि जिस पैसे के बल पर मैं सारे सामान को खरीद कर अपने परिवार की इच्छा को पूरी करना चाहता था, अब तो हमको वह लेनी के देनी पड़ गए। हमारी सोच थी वह बिल्कुल गलत साबित हुई। ईश्वर ने हमसे कहा था कि सारे गांव वाले को हम वह चीज़ दे देंगे, ईश्वर ने तो सबको रुपया पैसा दे दिया, आप किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब ये मैं रुपया पैसा मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। फिर उसके दिमाग में यह बात आती है कि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अगर ईश्वर जो है वो हमको देकर किसी और को नहीं देता तब मेरी इच्छा तो पूरी हो सकती थी, लेकिन ईश्वर ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। वह फिर से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर फिर उसके सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। तब किस्नु जवाब देता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुमने तो बहुत धोखा दिया मुझे, ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूँगा कि जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। कहा कि नहीं, मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत ही सोच समझकर कोई वरदान मांगो, जो वरदान तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको भी दूंगा और साथ ही साथ पूरे गांव वाले को दूंगा। तो मैंने अपने वचन के अनुसार सारे गांव वालों को रुपये पैसे से भरा हुआ संदूक दे दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है, गलती तो तुम्हारी है। अब किसान को अपनी बात समझ में आ गई, उसने कहा कि हे भगवान, अब कोई ऐसा उपाय निकालिए कि जिससे मेरी बात भी रह जाए और आप अपने वरदान को वापस ले लीजिए, इस वरदान को देने से तो हमें कोई लाभ नहीं मिला। भगवान कहते कि ठीक है, अगर तुम ऐसी बात कहते हैं तो मैं अपना वरदान वापस ले लेता हूँ, और यह भी कहते हैं कि देखो, किसी से वरदान मांग लेना या किसी और के ऊपर निर्भर हो जाने से हमारा जीवन नहीं सफल होगा। जब भी सफल होगा तो उसमें हमारे मेहनत और परिश्रम का बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब हम अपने परिश्रम से कोई चीज़ उगाते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा होता है, और आज मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि तुम और तुम्हारे गांव वाले इसी लगन और परिश्रम के साथ अपने खेतों में काम करते रहो और फसल उगाते रहो और तुम्हारे पूरा जीवन इसी पर गुजरता रहे, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं हो, और मैं तुम्हें मेहनत और परिश्रम करने का वरदान देता हूँ। इतना कहने के बाद ईश्वर वहाँ से लोप हो जाते हैं, चले जाते हैं। उस दिन के बाद से किस्नु और उसके गांव वाले के अंदर परिश्रम करने की ललक पैदा हो जाती है और उनके अंदर परिश्रम करने का बहुत बड़ा मादा आ जाता है, और वो परिश्रम करके अपनी खेती बाड़ी का काम बड़े ही सुचारू रूप से करने लगते हैं। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जिस चीज़ की कमी हमें होती है उस चीज़ का हमारे पास बहुत महत्व है, लेकिन जो चीज़ अधिकता में पाई जाती है उस चीज़ का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है, ठीक है।